तो मन के अंदर इन्ना आ जाता देख पराइया चंगिया मावं भैं धीं जान है शर्म आती है माड़े कामों च परिवर्त नहीं होंदा। सो जिन्हां दी शर्म खंड च अवस्था चली जाती है शर्म खंड की बाणी जिहड़ी उन्हां दी बोली हुंदी है रूप दा अर्थ है सफाई वाली हो जाती है लालच लिपसा तो पासे हो जाती है उन्हां दी जिन्नी गल होवेगी वो लालच तो विशियां तो विकारां तो परे हुंदी है। इन्नी शुद्ध बोली बोलते ने वो शर्म खंडीए पुरश गंदी गल तो दूर की गल रहेगी बहुत पवित्रता वाला वचन करते हैं हमेशा क्योंकि वह शर्मखंडीय पुरश होंगे ने वो लज्जा रखते हैं। जिवें बाबा दीप सिंह नूं कहा सी कि चंबे वाले राजे की दोहती छड के आनी तुसीं छड के आनी बाबा जी क्योंकि वह सुंदर बड़ी सी तो बाबा जी कहते फिर भाई पंज सिंह नाल भेजो मेरे तां भी ब्रह्म ज्ञान विच हुंदिया होया भी जिहड़ी मर्यादा नूं नहीं छड्डिया उन्होंने मर्यादा नूं पहला कहिंदे पंज सिंह नाल भेजोगे तो जाऊंगा। इस करके शर्मखंड है शर्मखंड की अवस्था बहुत अगे जाके बनती है जिदे जरा भी लालच नहीं लालच के उल्ट परोपकार की भावना प्रगट हो जाती है। आप गृहस्थी बंदा हमेशा लालच करता जिथे दो पैसे बचन उथे जाता जिथे कि परोपकार करना पैजे दान पुन करना पैजे उतों दौड़ लेंदा पर रब दे प्यारे जिथे दो पैसे बचते हो नहीं जाते वो उत्थे जाते हैं जिथे किसी का भला हुंदा होवे शर्मखंडीय पुरशी की अवस्था ही ऐसी बन जाती है तिथा घाड़त घड़ी है बहुत अनूप अनूप उपमा तो रह तो उत्थे घाड़त घड़ी जाती है सतसंगत दे विच सतसंगी की अवस्था चल रही है सतसंगत विच जदों सतसंगत भी कई प्रकार की है एक तो वह भी संगत है साधारण तौर पर दस बंदे वैसे बैठे ने एक वो भी है संगत जी पिंड संगरान कट्ठे हुए मुड़ के होए नहीं है एक वो भी संगत है जेड़े बैठ के कीर्तन सुनते हैं कथा सुनते हैं एक वो भी संगत है जेड़े बैठ के सिर्फ नाम जपी जाते चौबी घंटे संगत संगत विच यों अवस्था का फर्क पई जाता है एक ब्रह्म ज्ञानी की संगत है एक सधारण संगत है एक नाम जपण वाले की संगत है पर है सारी विच मिक्स हुई भी रलवे मिलवे होंगे सारे जाने महाराज सच्चे पातशाह कहने ताकिया गल्लां कथियां ना जाए उन्होंने जिहड़ियां गल्लां ने उन्होंने जिहड़ियां अवस्थावां ने उन्होंने जिहड़ी अंदरली सोच है उन्हों कोई कथन जुबान नाल नहीं कर सकता कह नहीं सकता कि शर्मखंडी पुरश की अवस्था किन्नी क वड्डी है। जिवें आपां पढ़िया सी ना मन्ने की गल कही ना जाए जे को कहे पिछा पछताए इत्थे भी महाराज उही वचन करदे ताकियां गल्लां कथियां ना जा है जे को कहे पिछे पछताए बाद विच पछताउणा ही पैंदा कि मैं शर्मखंडी पुरश की अवस्था नूं संपूर्ण रूप विच कथन नहीं कर सकता मैं इहदे बारे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उस शर्मखंड विच जा के तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध शर्मखंडी अवस्था ऐसी है कि उहदे जिहड़े नाम दे नाल ना घाड़त घड़ी जाती सुरत की सुरत इतने चित्त का भाव है क्योंकि सुरत मत मन बुद्ध ये चारे अखर एको जे ने इतने सुरत का मतलब है चित्त जो चित्त है ना चितवनियां करन तो हट जाता उन्होंने हौली हौली अभ्यास करद्या करद्या जो शर्मखंड चलिया गया चित्त कोई चितवनी करता ही नहीं आउंदी ही नहीं चितवनी चित दियां चितवनियां बंद हो जांदियां ने ते जिहड़ी उहदी मत है मत इत्थे हंकार नूं कहा जिहड़ा हंकार है ना वह हंकार अपने आप ही खत्म हो जांदा निमरता च आ जांदा मन मन दे अंदर जिहड़े संकल्प विकल्प ने वह भी मुक जांदे ने बुद्ध जिहड़ी उहदी बुद्धि संसार नूं सच्चा निश्चा करदी है हुण आपां जिहड़े बैठे हां सारे जाणे आपां संसार नूं सच्चा निश्चा करदे हां ये संसार सच्चा है ये मेरे भैन भरा ने साडा घर है ये पक्कियां रजिस्ट्रियां इंतकाल होए वे ने बुद्धि साडी निश्चय करी ने सच्चा ही सब कुछ जदों कि मिथ्या है सब कुछ मिथ्या नूं सच्चा निश्चय करती है जिहड़ी मैली बुद्धि है। इत्थे महाराज सतसंगत विच बिठा के गुरसिख दी बुद्धि दी घाड़त घड़ दिंदे ने ते बुद्धि नूं इह सिक्ख्या दे दिंदे ने कि इह जो कुछ तूं देख रिहा ना ये कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार
कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसन हार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियां, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़ा नहीं लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा, कूड़ माख्य, कूड़ डोबे, कूड़ नानक बखाणा बेनती तुद बाज कूड़े कूड़े बुद्धि नूं घड़िया। जिहड़ी बुद्धि साडी निश्चा करदी रहिंदी हर टाइम कि आ सब कुछ सच्चा है, वास्तव दे च सब कुछ झूठा है, झूठी बुद्धि है, हमेशा सच्ची चीज नूं झूठा कहिंदी है ते जिहड़ा झूठा उहनूं सच्चा कहिंदी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आ सच जुगा सच है पी सच नानक होसी पी सच वरते ने, इन्हां नूं तां इधर इन्ना ध्यान नहीं संसार का, तो जिहड़ी चीज झूठी है उधर नूं ज्यादा ध्यान है। इस करके जदों बंदा सत्संगी खंड विच आ जांदा है, सरम खंड विच आ जांदा है, चार करहितां जिहड़ियां सरम खंड विच ही ने, चार करहितां नहीं करनियां, हुक्का हजाम तां हलालो हराम, यह सरम खंडी की अवस्था है। ताइयों तां महाराज ने आपां नूं पंज ककार पहनाए ने, इस करके तो करहितां तों बचाया महाराज ने, इस करके अपनी सुरत मत मन बुद्ध नूं संगत विच लिया के घड़ के रख देंदे ने, हौली हौली घड़ी जांदे ने, घड़ी जांदे ने, जिवें लकड़ी पहलां जंगल चों कट के लियांदी टेढ़ी मेढ़ी आरे ते सिटी, आरे वाले ने कट के उहनूं सीधा कर दिता, फिर वह मिस्त्री कोल चली गई, फिर उहने रंदे नाल बिल्कुल रगड़ता, फिर होर उपर फिनिशिंग हो गई, फिर होर उपर फिर पॉलिश हो जाती है, पॉलिश हो के ऐन लिशका के सामने एक वधिया चीज बना के तैयार करके रख दी जाती है। इस तरह ही जदों गुरसिख संगत विच आउंदा टेढ़ी लकड़ मंगाउंदा बिंगा तड़िगा जिहा हो के, हौली 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 महाराज आरा ऐसा चलाउंदे ने, घाड़ तैसी घड़दे ने, इहदी रंदा फेर फेर के ना चंगी तरह इहनूं ऐन पूरी पालिश करके लिशका के सामने खड़ा करके घरदिआं नूं पुछदे क्यों उही बंदा कि होर आ कोई, कहने महाराज इह तां तुसीं बंदा बनाता बंदा, महाराज कहिंदे बंदा होए सो बंदगी गहें, जिहड़ा बंदा असी बनाउंदे आ बंदगी करन ला देईदा उहनूं सीधे मार्ग ते ला दा, तिथा घड़िया सुरां सिधां की सुध, उत्थे जाके पता लगदा उत्थे सुरां तों भाव देवतिआं दी ते सिधां दी सुध खबर हुंदी है कि किवें देवते बणदे ने, किवें सिध बणदे ने, इह देवते किवें बणदे ने ते सिद्ध किवें बणदे ने। जदों कोई योगा अभ्यासी पुरश बड़े उच्चे आनंद विच आत्मक उडारी मार रहा हुंदा इह देखो देवता ही बणदा है, जदों बहुत उच्ची अवस्था चली गई मन दे अंदर विषय आ गए, भगती करदिआं विषय आ गए, संसार दे भोग भोगण की इच्छा हो गई, क्योंकि भगती बहुत ज्यादा है, उहदी कमाई बहुत ज्यादा है, हुण संसार च उहनूं सिट नहीं सकदे, फिर इस करके उहनूं उपर लिजा नहीं सकदे, सचखंड विच कमाई है जी बहुत ज्यादा, विषयां की होगी इच्छा, उहनूं देवता बना दिंदे आ, स्वर्गां च भेजदे आ, बच्छरां दे नाच देख बई, सोने च खेड़ बई, आ कर बई, फिर जदों कदे उहनूं विराग हो गया उत्थों रज गया, फिर उहनूं दुनिया अंदर जन्म दिंदे किसे सत्संगी पुरश दे घर, फिर उह आ जांदा, फिर भी जे किते भगती करदे विषयां दी इच्छा हो गई तां फिर उह राजा महाराजा बना दिंदे ने, राजा महाराजा बन के विषय विकारां वल लग्या रहिंदा, इन्नियां इन्नियां राणियां रख लैंदा, तां फिर माड़े कर्म करदिआं फिर किते विराग हो गया, फिर उहनूं अगला जन्म फिर सत्संगी दे घर दिंदे ने। इस तरह करद्या करद्या इस देही को सिमरह देव सो देही भज हर की सेव, ये देवते ओं बन जाते हैं, जेड़े बहुत वड्डे अभ्यासियां दियां कोई माड़ियां मोटियां अंदर ही छावां रह जाण ते छावां करके देवत्यां दे घर जन्म लैना पैंदा उहनूं, ते जां फिर राजे महाराजे दे घर आ जाते हैं, ते अखीर एक दिन फिर महाराज कहिंदे उहनां दा कल्याण हो जांदा विराग होण करके, जदों मन दे अंदरों सारियां इच्छावां मुक जांदियां ने ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਰਮਖੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
जिमें कोई गुरमुख प्यारे जपजी साहब के बहुत पाठ करते तो उन्होंने भरा ने कहना कहने सारा दिन आफरिया रहा किवें आखिर मैं बाणी बड़ी पढ़ना किवें आफरिया वह सुते सिद्ध क्यों कहते कहते मैं क्यों आफरिया आफरिया तो तू होएगा मैं कोई आफरिया उन्होंने फरेवा हो गया डॉक्टरों के चक्की फिर ठीक ही ना हो पेट फटन वाला हो गया अखीर कहते तू किसी कुछ कहा पिता जी कह लगे सी तो भरा ही दोवें पिता जी भी उन्होंने चंकी व्यवस्था के माल कहने मैं तो छोटे कहा किवें बाणी पढ़ता फरिया रहा सारा दिन वो कहने भलिया लोगों हूँ उतों ही माफी मंग होर किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं करना तेन जद आके उन्होंने कहना भरा मैं माफ कर दे वो कहना मैं माफी देने वाला कौन हूं माफी तो गुरु ग्रंथ साहब ने देनी है कहने कड़ाह प्रसाद बना के गुरु ग्रंथ साहब तो माफी मंग जाके फिर कड़ाह प्रसाद बना के गुरु ग्रंथ साहब तो माफी मंगी तो महाराज मैं थोड़ी बेअदबी के वचन बोले ने कहना किवें जपजी साहब के पाठ करके आफरिया फिरदा जपजी साहब की निंदा हो गई ना तो इस प्रकार है जपजी साहब का पाठ करन दा बहुत वड्डा महात्म है जे करोगे तो देखोगे जे मेरिया गल् सुन लिया भी कथा सुन ली तो मुड़ के सारा दिन फिर अपने धंध्या च फस के जाके फिर तो कुछ भी नहीं मिलना फिर तो वो ट्रेन वाली गल है आह गड्डी किधर आनी आओ किधर आनी कहें तू कित जाना कहना मैं तो लै नहीं पार करनी है फिर तो इतें खड़े रहेंगे जे शुरू कर ली अज ही बद तो बद कोशिश करिए भी अज मैं बिल्कुल भी नहीं होंगे तो पांच पाठ जपजी साहब के अज तो ही शुरू करो हौली हौली छे करो सत्त करो अठ करो पाठ वधाते जाओ जे आ पौड़ियां चढ़निया ना जिहड़ियां हुण सुना रहे हैं इस पौड़ियां तक ही तुसीं सीधे चढ़ सकते हो जपजी साहब की कृपा नाल भाई भी शुद्ध पढ़े थोड़ा जिहा जे जपजी साहब का पाठ बिल्कुल शुद्ध पढ़िए तो सतगुरु महाराज यही अवस्था देंदे आ भाई गोपाले एक जपजी साहब नाल ही बख्शिश हो गई सी तो अपने ते भी कृपा करनगे सच्चे पातशाह आपां भी पाठ करिए नहीं कि उन्हें एक पाठ सुना जी कृपा हो गई भाई गोपाला वैसे तो रोज 25 पाठ जपजी साहब के करता सी यह भी तो नाल देखना ना किन्ने सालों तो करता सी ताइयों फिर एक दिन बख्शिश हुई है क्यों महाराज ने अपने ते बख्शिश की है प्यार सत्कार नाल आपने श्रवण किया आओ अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम नाल जुड़िए जिस करके सारा कुछ मिलना इच्छा पूर्क सर्व सुखदाता हर जा कै बस है काम धेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावै मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरी साचे नाम की तिल वड़ियाई आप थके कीमत नहीं पाई इस करके महाराज सचे पातशाह कहने आओ पिछले खंडा विचों लंघते हुए अपनी अवस्था होर उपर चकीए सरम खंड सत्संगी पुरश की अवस्था सी यह शुभ इच्छा शुभ विचारना तनु मानसा सतवा पात पदार्था भावनी ये जड़िया अवस्थावान ने नाल नाल ही तुरिया आ रही ने दे विच ये जड़ा कर्मखंड की अवस्था चा ये हैगा सनमुख जे सनमुख हुंदे ने जे को सिख गुरु सेती सनमुख हो गया पहला सुन चुके हैं पढ़ते भी रोज आनंद साहब दे विच हुण 37वीं पौड़ी विच सनमुख का कथन है इसे पौड़ी विच जदों अगे जा के गुरमुख का कथन हो जाना शुरू पहला हुण सनमुख देख लईए ये जिहड़ी सनमुख की अवस्था है ये 6वीं भूमिका है जिहनूं पदार्था भावनी कहने हैं पदार्था भावनी आपां इह असल च पहला सारा कुछ सुन चुके हैं हुण तां नाम मात्र ही सुनाउने हैं पदार्था भावनी उहनूं कहने जिहने पदार्थ का अभाव हो जाना हिरदे विच्चों अभाव उहनूं कहिंदे कि पदार्थ की होंद का मुक जाना जिथे जाके जिहड़ी अवस्था है जागृत सतवा पत विच जागृत अवस्था
इस प्रकार ये जड़ियां अवस्था आनियां फिर सुपन अवस्था फिर सुखोपत अवस्था ये तीन अवस्था इधर भी आनियां ने दूसरे पासे भी आनियां ने पदार्थ भावनी विच सुखोपत अवस्था वांग हो जांदा है जिवें आपां सुते ते उठ के कहिए अज मैनू इन्नी नींद आई मैनू कोई सुपना ही नहीं आया है सुखोपत मतलब के सुपने विच तां आपां सब कुछ देखते हैं संसार देखते हैं मां बाप नूं मिल ले भैण भरा मिले होर कोई मिले कुछ खाधा पीता पर सुखोपत अवस्था विच कोई सुपना ही नहीं आया। इस तरह ब्रह्म ज्ञान दीआं भूमिकां विच भी जागृत अवस्था आउंदी है एक फिर एक सुपन अवस्था आउंदी है पदार्थ मंगू जी जे पदार्थ चंचल सुपना ही उरझायो फिर संसार सुपने वांगू लगता पर जिहड़ी हुंदी ना सुखोपत अवस्था इहदे विच जाके पदार्थां दा भाव इहां हो जांदा जिवें अज मैनूं सुपना ही नहीं आया बस मन दे अंदरों सारे पदार्थ मुक्क ही जांदे ने ते पदार्थां दी इच्छा स्वादां दी इच्छा सारियां इच्छावां मुक्क के उह सनमुख गुरमुख बन के इस अवस्था तक चलिया जांदा है कर्म उत्थे बख्शिश हो जाती है उत्ते कर्म खंड कहते हैं इनू बख्शिश वाले पुरशां का खंड है कर्म खंड की बाणी जोर उन्हां दी जिहड़ी बाणी है उहदे विच जोर आ जाता है। पहला तो यह कहा कि आखण जोर छुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर यह तो है अपनी अवस्था आम संसारी जीवन की अवस्था पर जेडे बख्शिश वाले ने उन्होंने अंदर कर्म खंड की बाणी जोर इथे भी जजे होड़ा ते रारे औंकड़ी है तो उत्थे भी जोर इस तरह ही लिखा होया कि इस करके कर्म खंडिया की बाणी दे विच जोर का अर्थ है मिलाप आ जाता मिलाप अते जोर तो भाव ताकत जोर तो भाव ज्ञान उत्थे उन्हां दी बाणी विच इन्ना जोर पैदा हो जांदा इन्नी ताकत पैदा हो जांदी है। सो जिवें महाराज सच्चे पातशाह दे प्यारे होए ने भाई गोदड़िया जी भाई गोदड़िया जी पंजवें पातशाह महाराज दे गुरसिख हर रोज सवेर तो लैके रात तक उन्हां दा निजम सी बड़े प्यार नाल 25 पाठ जपजी साहब दे उन्होंने करने हैं बाग दे विच पए रहना पुराने जे कपड़े हुंदे सी उत्ते पाटिया जा खेस लैके सारा दिन भगती करे जानी कर्मखंड की बाणी जोरे कर्मखंडियां दी गल है। वो किसी दे घर प्रशादा छकन चले गए बस एक घर दे सामने जाके एको वार कहना सतनाम वाहिगुरू एक मिनट दो मिनट देखना फिर मुड़े आना फिर कहना अज मैनू हुक्म नहीं प्रशादा छकन का फिर उन्हें दूजे घर नहीं जाना कहते हुक्म नहीं है जिथे प्रशादा मिल जाना उत्थे बह के दो प्रशादे छक के उत्थे अरदास करके मुड़े आते। सो एक घर प्रशादा छकन गए जदों अरदास कीती जदों खड़े होण लगे तो उस वक्त खड़े हुंदिया हुंदिया कहिंदे 50 साल हुण इह गल दा किसी नूं की पता 50 साल की बोल गए क्योंकि उस घर दे विच कोई चेटकी साधु आया सी रिद्धियां सिद्धियां दा मालक वो कह गया सी तुहाडे घर औलाद नहीं कहिंदे हाँ जी कहिंदे बच्चा तुहाडे लड़का तां होवेगा पर 14 साल की उम्र तो बाद चढ़ाई कर जाएगा। भाई साहब नूं इह गल दा पता सी भी इह परिवार ने साडी सेवा कीती है कोई देईए इहनां नूं उन्होंने खड़े हुंदिया हुंदिया बचन करता 50 साल जो 50 साल का बचन किया वो साधु 15वें साल आया उन्होंने घर कहना बच्चा तो बस 14 साल ही रहना सी मैं 15वें साल च आया कोई अफसोस की गल नहीं चलो ये तो है ना बच्चा होया साढ़े तो वह खेड़ खेड़ बच्चा जो अंदर आया कहने ये कौन है कहने ये उही बच्चा है। साधु नूं बड़ा औखियाई हुई 15 साल का हो गया जिउंदा किवें तुरिया फिरदा
कहने पता नहीं जी, इत्थे भाई गोदड़िया साडे रहिंदे ने बाग विच ही रहिंदे वा, पाठ पूजा करदे आ, होर कोई काम नहीं करदे, ओह सीधे साधे फकर लोग है। वह एक दिन उठदिया उठदिया कह गए सी 50 साल, साधु लोहा लाखा हो गया गुस्से च, बड़ा काला पै के लोहा लाखा होके बाग विच गया। भाई साहब जी तो उत्ते खेस लैके अपना जपजी साहब का पाठ की विचार करते रहते ने, जाके उन्हें भाई साहब के एक पैर दे ठुड्डा मारिया साध ने जोर नाल, तू कौन हुंदा मेरी करनी नूं तोड़न वाला। तो उस वक्त भाई गोदड़िया ने उत्तों कपड़ा नहीं लाया, भाई साहब जी ने कपड़ा लिया ही लवाया, कहता 80 साल। फिर उन्हें दूजे पैर ते ठुड्डा मारिया, कहने 90 साल। उठ के बैठे हो गए, फिर उन्हें भाई साहब के मूंह ते एक थप्पड़ मारिया। उस वक्त कहने कहने इधरले मूंह ते भी मार दे, हुण 100 तो पूरी कर दे। तो इस तरह 100 साल की उम्र पूरी कर देनी सी उन्होंने, पर वो साधु फिर लम्मा पै गया चरणा ते, भाई साहब जी इन्नी शक्ति कितों लै ली तुसी, मैं तो 14 साल तो उहदी उम्र वड्डी नहीं कर सकिया। भाई साहब जी कहण लगे, ओ भाई चेटकी साधुआं रिद्धियां सिद्धियां दा मालक है तू, तां ओ मेरी जवान ते गुरु नानक देव जी बैठे ने, मैं जपजी साहब दे 25 पाठ रोज विचार सहित करदा, गुरु अर्जन देव जी का मैं सिख हाँ। तो इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज के प्यारे विचरदे विचरदे करम खंड की बाणी जोर, इन्हां दी बाणी विच इन्ना जोर सी, जो ये कह देंदे सी उसे तरह ही हो जांदा सी। तुरे तुरे जांदिया उठों कहने चलो इस पिंड चो चलदे हां, साडी महिमा होगी, क्योंकि बच्चे की उम्र वधाउण करके लोगों च जस फैल गया। सो जिवें बुल्ले शाह ने कहा, चल बुल्लिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई जानू सानू जाने पछाने, ना कोई सानू मन्ने, जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ओह इहो जिहे थां रहिंदे हुंदे जिथे लोगों नू पता ही ना होवे उहनां बारे। ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨਿਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਿੱਟੀਆਂ ਪੱਟ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੱਟੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। कहते भाई साहब जी ये की कर रहे हो, कहने जट दियां जड़ां पट रहे हैं, बस ऐसियां जड़ां पट्टियां, जट दा रहा ही कुछ नहीं। फिर अगे चले गए, फिर एक जट ने फड़ लिया, कहने इधर आओ मस्तानिया, कहने हाँ जी, कहने काम करा मेरे नाल। तो काम कराउन लग पे, इन्हे नूं जट दे घर वाली प्रशादा लैके आ गई, प्रशादा लैके आई, वो कहिंदी आ कौन हो रही आया फिर, मैं तो रोटी 2 बंदियां लियांदी है, एक काम थोड़ा, ये तीजा कि फड़ लिया। वो कह कुछ नहीं हुंदा, भोरा मिर्चा होर पा दी दही च, ता कि आपे घट खाऊगा। उन्हें चुक के मिर्चा पा दी दही दे विच खा सी सारिया। जब भाई साहब जी ने बुरकी मूह च, ये कर्म खंड की बाणी जोर है, कर्म बख्शिश वाले खंड विच जाके बाणी च इन्ना जोर आ जाता है, फिर उन्हें जबान नू ताला ला के रखना पैंदा, स्यों के रखनी पैंदी जबान, फिर बिल्कुल नहीं बोलना, जे माड़ी जी गल कर दित्ती क्योंकि दूजे का नुकसान हो जाता है, फिर आप नू जाके कितने लोके बहना पैंदा वह बंदे नू, कि रब्बा किते होर बंदा ना मेरे कोल आ जाए, किते इहदा किसे दा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि संसारी बंदे हुंदे ने हेरा फेरिया वाले, चलाकियां वाले, मूँह चो गल होर बोल देंदे ने, करदे उहनू है नहीं, वह जद करदे नहीं तो वह सुते सिधी उहदे मूँह चो कोई वाक निकल गया वह पुट्ठा हो जाता। इस करके फिर अपने नेड़े नहीं किसी नूं लाउंदे, इसे करके नेड़े नहीं लाउंदे कि बेचारे का नुकसान ना हो जाए, क्यों इन्हें करनी हेरा फेरी, संसारी बंदे नूं आदत हुंदी हेरा फेरी करन दी, झूठ बोलन दी, एवें गल्लां वड्डियां वड्डियां बना बना करी जाणगे। इस करके जिन्हां दे बख्शिश होगी उन्हां नूं, नाले ये सारियां पौड़ियां यही अवस्था दे वी दिंदियां ने, तिथै होर ना कोई होर, उत्थे होर कोई नहीं पहुंच सकदा उहदे बराबर, उत्थे होर कोई रिद्धियां सिद्धियां की गल नहीं, उत्थे होर कोई दजैगी वाली माया की गल नहीं, उत्थे किसी प्रकार की होर कोई गल ही है नहीं सवाए नाम तो, बस जेता कीता तेता नौ ही है, उत्थे नाम ही नाम जपी जांदा है। उस अवस्था विच कौन कौन बैठे ने,
ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ। ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਅਧਿਆਸਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਰਥੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਤਾ ਹੀ ਸਿਉਂਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਉਂਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਜੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਉਂਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ। ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੰਨ ਹੈ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਡਰਦੀ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ,
अवस्था तो काफी उची चली जाती है, हिरदे च जाप भी होने लग जाए, रोमां विच भी चलिया जाता कई बार जाप। आ जिहड़े विषय विकार ने ना ये नहीं खेड़ा छड़दे, रोम रोम जाप वाले नूं भी थोड़ा परेशान करते ही रहिंदे ने, रूप परेशान करते रहिंदे ने। तो इस करके जिहड़ी ब्रह्म ज्ञान की संपूर्ण अवस्था इत्थे हुण कह रहे ने कि रब दे प्यारे ना तो आत्मक मौत मरदे ने। कई वारी बहुत उच्ची अवस्था वालों तो भी करहत हो जाती है क्योंकि माया प्रबल बड़ी है, सिट लैंदी है उन्हां नूं। इस करके इत्थे जिहड़ी सन्मुख की अवस्था च महाराज कहिंदे ना ओह मरहै ना ठगे जाहे, ना उन्हां नूं काम करो लोभ मोह अहंकार ठग सकदे ने, ना ओह आत्मक मौत मरदे ने, ते ना उन्हां नूं विषय विकार कोई असर पा सकदे ने। किन्हां नूं जी? जिनकै राम वसै मन माहे, कहिंदे जिन्हां दे हिरदे विच नाम वस जांदा जाके, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। इस करके कहिंदे जिन्हां दे हिरदे च राम वस जांदा है उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। सो सुभाविक ही कई चीज़ां सामने आ जांदियां ने। जब हनुमान जी पता लैके आए सीता दा, रामचंद्र जी कहिंदे वो तो मर गई होनी हुण तक, कहिंदे ना जी वो तो नहीं मरी, कहिंदे वो मरन दे किनारे ते ही रहिंदी आ, बस शरीर छड जांदी फिर शरीर च आ जांदी। कहिंदे उहनूं लैण वाले आउंदे ने रामगण, फिर ले जांदे नहीं। कहिंदे क्यों? कहिंदे तुसीं उहनां दे हिरदे च जो बैठे हो वो तुहानूं हिरदे च बसा के बैठी हुई है, इसे करके तो उहदे प्राण नहीं निकल रहे, ना तो उहने अज तक रोटी खाधी ना पानी पीता, पर तुहाडे नाम दे आसरे ही ज्यों ही जांदी आ। इस करके महाराज कहिंदे ने जिनकै राम वसै मन माहे, जिन्हां दे हिरदे च राम परमेश्वर दा वासा हो जांदा है फिर उहनां नूं ना पानी डबो सकदा, ना जहर उन्हां नूं कोई असर पाउंदी है, ना अग साड़ सकदी। तिथै भगत वसै के लो, ये जिहड़ा कर्म खंड है बख्शिश खंड है ना, इहदे च के लो कईआं लोकां दे भाव, कईआं धरतीआं दे भगत वसदे ने, कई प्रकार दे भगत उत्थे वसदे ने, कई प्रकार दे भगतां दा वासा है। कर है आनंद, वह आनंद माणदे ने उत्थे बैठे, सच्चा मन सोए, क्योंकि उन्हां दे मन विच अकाल पुरख वसे हुए ने। तत्पद दा लख अर्थ अकाल पुरख वाहिगुरु उन्हां दे हिरदे च वसिया होया है, इस करके वह आनंद माणदे ने। यह है सन्मुख दी अवस्था। छेवीं भूमिका, हुण सत्तवीं भूमिका ब्रह्म ज्ञान दी, जिथे जाके जागृत सुपन सखोपत तिने अवस्था मुक्की जांदियां ने, नामो निशान नहीं रहिंदा उन्हां दा, जिथे माया भी मुक जांदी है खत्म। पर जिहदे हिरदे च संपूर्ण प्रकाश हुंदा है उहनूं कहिंदे गुरमुख। वह गुरमुख की अवस्था सिद्ध गोष्ट विच महाराज ने सिद्धां दे नाल चर्चा करदिआं सुनाई सी उन्हां नूं। आओ हुण आपां सुते सिद्ध हरेक नूं, आओ जी गुरमुख प्यारे, आओ जी गुरमुख, इह बड़ा बंदा गुरमुख है। लो हुण गुरमुख की अवस्था है, सत्तवीं भूमिका है, जिहनूं तुरिया अवस्था कहिंदे ने, जिहनूं चौथी भूमिका भी कहिंदे ने। अठवीं अवस्था सतगुरु की है, जिहड़ी अगे अठत्तीवीं पौड़ी च आउणी है। इह दुनिया विच रहण वाले हरेक जीव जिहड़े ते कृपा हुंदी है, यह अवस्था भाई पारो नूं दित्ती महाराज ने। जिहड़ी सत्तवीं भूमिका आपां हुण सुण लगे हैं, यह बाबा बुढ़ा जी कोल सी, यह बाबा गुरबख्श सिंह जी राम कुंवर कोल रही है। इन्हां कोल तां तिन्नां कोल खैर अठवीं भूमिका भी पहुंच गईआं सी, ताइयों तां महाराज शरीर छड़ा दिंदे ने, छड़दे शरीर हुण साडे च लीन हो जा। सत्तवीं भूमिका कहिंदे ने सच खंड वसै निरंकार, कहिंदे उह निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु सच खंड च अपना वासा करदे ने। ते सच खंड, इह खंड दा नाम ही सच दा खंड है, जिथे निरोल अकाल पुरख वाहिगुरु दा वासा है, जिस हिरदे विच उहदा संपूर्ण प्रकाश हो के माया दा बिल्कुल अभाव हो जांदा है, जागृत सुपन सखोपत अवस्था भी मुक जांदी, जिथे जाके जिस हिरदे च निरंकार वसदा है उस हिरदे दा नाम भी सचखंड बन जांदा है, वह सचखंड ही पुरश बन जांदा है, सचखंड दा रूप ही हो जांदा है, अकाल पुरख दा रूप ही बन जांदा है। कर कर वेखै, वह करके श्रवण करके निध्यासन मनन सब कुछ करके फिर वेखै, फिर वेख लैंदा अकाल पुरख नूं,
ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲਵਰ ਭੰਡ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਰੌਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਔਲੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਐਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋ ਲੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਹ ਲੋਹ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ 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 ਜਾਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਿਗਸੈ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਦੂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰ ਤੱਤ ਲੋਹਾ, ਜਿਵੇਂ 40 ਕਿਲੋ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਦੇ, ਜਦ 1 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਡਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਗਾਡਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗਾਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰ ਤੱਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ,
जिन्नी क मैं कर सकता सी उन्नी क तुहानू दस दित्ती है। बाकी हुण तुसीं अपनी मेहनत करो, जपजी साहब दे जिन्ने पाठ करोगे उन्नी तुहाडी अवस्था बन जाएगी, उत्थे उत्थे तक तुसीं पहुंची जाओगे, जिथे जिथे तक पहुंच जाओगे उत्थे उत्थे तक तुहाडी मनता हो जाएगी। इस तरह महाराज ने 37 पौड़ियां तक आपां नूं पावन पवित्र उपदेश की दात बख्शिश की है। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। अठतीवीं पौड़ी आपने श्रवण करनी है। सो ये ब्रह्म ज्ञान की समग्री है। जिवें आपां कहीए कड़ाह प्रसाद बनाउणा है, उहदे लई की चाहीदा? आटा चाहीदा, घिओ ते खंड, तीन चीजां। इहनूं कहिंदे समग्री। एक धूफ की समग्री है, हरेक चीज नूं बनाउण लई समग्री। हुण कहिंदे ब्रह्म ज्ञान वास्ते समग्री दिओ। ब्रह्म ज्ञान हुंदा किवें है, नाले अवस्था दसो किहड़ी है। सो महाराज कहिंदे ने इह तुरिया अतीत। अतीत का मतलब हुंदा किसी भी अवस्था तो परे, सत्तां भूमिकां तो उपर जा के कोई भूमिका रहिंदी नहीं जिथे ब्रह्म विच लीन हुंदा। जिहड़ी अवस्था सतगुरु साहिब जी की अपनी है, तुरियातीत अवस्था, किसी किसी गुरमुख की भी अवस्था बनती है। महाराज कहने इस अवस्था की प्राप्ति वास्ते जिहड़ी जिहड़ी समगरी चाहीदी है, ये हुण आपां तुरियातीत अवस्था विच आ गए हैं। ये एक एक पौड़ी तो आप चले सीगे, इच्छा जिहड़ी शुभ इच्छा तो चले, एक दूजी बौलख हो शुभ विचारना, इस प्रकार तनु मानसा सतवा पद आ गया, पदार्था भावनी अंश सकत आ गया पदार्था भावनी, फिर तुरिया अवस्था सचखंड वसन निरंकार। तुरिया तो अतीत होना, निर्लेप होना, सत्तां भूमिकां तो भी उपर चले जाना, भाव नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यो पानी संग पानी। इस अवस्था नूं महाराज कथन करदे, क्योंकि ये अवस्था जिहड़ी है ना ये किसे दी है नहीं। केड़ी? नानक नदरी नदर निहाल, कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नदर नाल तक कई निहाल कर सकते ने। जां जे कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे तां उहदे च अवस्था आउंदी है कि नदर नाल तक कई पाप कट देंदे ने, क्योंकि इन्हां दीआं इह अवस्थावां ने थले थले। हुण महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे समगरी है इह सारिआं नालों पहलां। जात पहारा पप्पे कन्ना हाहे कन्ना रारे कन्ना, आम पाठ विच कन्ना ही छड्दे आ ज्यादा। जात पहारा, जात पहारा, पप्पे नूं कन्ना भी बोल के जाना है। पहारा हुंदी कारखाना, दुकान, वर्कशॉप, सुनियारा अपनी दुकान ते सोहने गहने कढ़ के रखदा। आपां कहीए टांका लाउणा है, भेजदे वर्कशॉप भेजदे, साडे कारखाने च भेजदे। कारखाना पहला हुंदा सी, कारखाना विच ही हुंदा सी। हुण जरा कारखाना एक पासे हुंदा ते दुकान, पहला पुरानी गल कर ली, कारखाना विच ही घाड़त भी नाल ही घड़ी जांदे ने। महाराज कहिंदे जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लई इह सारे नालों पहला साडे कोल कारखाने की लोड़ है। वर्कशॉप जिहड़ी चाहीदी उह हैगी जत। जद तक साडे कोल जत नहीं उदों तक भगती की आरंभता ही नहीं हुंदी है, क्योंकि जत जरूरी है। जत एका नारी जती होए पर नारी धी भैण विखाणा, ये गृहस्थी लई यही जती सती। वह बाकी दे जिहड़े जात ने वह तो बिहंगमां वास्ते वक्री किस्म के होंदे ने, किसे वास्ते किसे किस्म के होंदे ने। कई इहो जिहा जत भी रखते ने कि पात्र रूप ना पेखा नेत्र, जिवें लक्ष्मण जी ने सारी जिंदगी सीता का मूँह नहीं देखिया,
है कि नहीं रिकॉर्ड वाली गल, एक मूँह ही नहीं देखना। लोग बड़िया बड़िया किताबों च अपना नाम लिखाते हैं, मैं आह रिकॉर्ड कायम किया, मैं आह किया। उन्हें सारी जिंदगी सीता के पैरों तो ही सीता पछाणिया, यह कहना जात तो मूँह भी नहीं देखना इसत्री का, वह तो बहुत व्डा जात है ना, वह तो कोई रख ही नहीं सकता। गोरख जती होया, एक थले बहुत व्डा छप्पड़ सी पानी वाला, उत्ते एक दरख्त सी बोर्ड का, उहदी एक टहनी पानी तक उपर तक जाती सी, गोरख उहदे उत्ते बैठ जाता सी क्योंकि जती सी। कहिंदा सी काम नूं जितना, नींद आउण नहीं देनी। जदों उहने उह टाहणी दे उत्ते बैठ जाणा, उहनूं नींद आउणी, उह डिग पैणा थले, थले पानी विच डिग पैंदा सी। उह पानी डिगना फिर जाग आ जाणी, फिर उहने भज के दरख्त ते चढ़ जाणा। तो इस प्रकार उन्हें अपनी नींद नूं विशियां नूं जित के गोरख जती कहाया अपने आप नूं। जिन्हें भी पुराने भगत होए ने, जती होए ने, सारे विच जत सत है। तो सरूप नखा ने लक्ष्मण नूं यही कहा शादी कर लै, ताइयों नक वढ़ना पिया उन्हूं। तो जती सती बंदे नूं कुछ एक छेड़े जाके फिर वह पुट्ठा ही कर दिंदा दूजे नूं। इस करके महाराज कहिंदे इह जिहड़ा जत है ना, यह एक बड़ी वड्डी चीज़। जत तक तुहा जे कोई कहे मैं दुकान करनी है, सौदा पाना, कित्थे पाना दुकान है, जां मैं कोई वर्कशॉप खोलनी है, कोई दुकान तेरे कोल है, वह तो है नहीं। महाराज कहने जे तुसी ब्रह्म ज्ञानी बनना, इन्नी उच्ची पदवी प्राप्त करनी है, सारिआं नालों पहले थोनू जात विच आउणा पवेगा। यह तो महाराज बड़ा औखा। फिर सतगुरु कहने फिर अपना आराम ना घर बैठ, रोटी पानी खा, क्यों तू फिर ब्रह्म ज्ञानी बन नूं तुरिया फिरदा, भी मेरा मन टिक जाए, मेरी कोई अवस्था बन जाए, मेरे अंदर कोई सिमरन शुरू हो जाए। जे भलवान बनना तो भलवान नूं भी यही कहा जाता भी जो जात सत कायम रखे अपना, तां भलवान बनता, देखना भी नहीं किसे। ताइयों लोग भलवान दे गोडियां हथ लाउंदे, क्यों वह भी देवत्यां दी गिणती च आ जाता, वह भी माड़ा सोचता भी नहीं, हो ताइयों तो इन्ना वड्डा भलवान बन जाता। तो इस करके सतगुरु महाराज कहने पहला जात लियाओ अपने अंदर, पहला अपने अंदर जात लियाना। बस इस चीज़ नूं याद करन कि श्रवण सिमरन कीर्तन जिहड़ा माड़ियां गल्लां दा सुनना, माड़ियां गल्लां नूं याद करना, माड़ियां गल्लां दा जस करना, विशियां दा जस करी जाणगे कई लोग। इसे तरह ही अगे तो अगे वधी जाना इना गल्लां तो अपनी जबान दे उत्ते बिल्कुल ताला ला के रखना पैंदा कि माड़ी गल करनी ही नहीं है, विशियां की कोई गल बोलनी भी नहीं। ये तो तुसी सुन के भी कहोगे भी औखा काम है। महापुरशां नाल जो तुसी रहिंदे सी, संत हसण का भी हुक्म नहीं सी, बस मूँह बंद ही रखना, बरागमई चेहरा बना के रखना। जे हस पिया ना फिर खैर नहीं तेरी, 100 बैठकां कढ़ाऊंगा तेरिया मैं। क्यों हसया सी, इत्थे हसना आया। बाबा आनंद सिंह जी कलेर वाले एक बार संगत च प्रचार कर रहे, बड़ी संगत बैठी, उन्होंने नाल जिहड़े संगी बैठे सीगे 20-50 अगे, चिट्टे चोले पा के गिट्टियां तक लम्मे, वह भी बिरागमई मूर्तियां बैठिया सी। उन्हां विच्चों एक जना संगत च बैठा माड़ा जिहा हस पिया। महापुरश कहिंदे ओए मुरदे भी कदे हसदे हुंदे आ, वह जद एडा खफण पाया तेरे गल च चिट्टे रंग का, खफण पा के मुरदिया तू हसदा, जा चला गया इत्थों, जिन्हें साडे नाल रहना वह हसना भी नहीं। बड़ी सख्ती है, केस जे केस केसी इनान किया, गिले केस खिलार के रहतनामे च लिखिया माइया के अगे नहीं जाना, इन्नी सख्ती है इन गल्लां विच। देखना नहीं, गल्लां नहीं करनियां किसे नाल, जे गल करदा देख गया उहनूं बाहर ही कढ दे चल इत्थों। हुण जिहड़ा जात आ उह दिन दिन अपना जात ही घटदा तुरिया जा रहा। टीवी आ जिहड़ा टीवी जात नूं ही खोरा लाउंदा कि जात नूं मुका ही दित्ता इहने, चलो कम ही खत्म करता, भगती की दुकान ही उड़ा दित्ती इहने। वाहिगुरू कृपा करे, आपां भी बेनती करे महाराज हुण तुसीं सानूं कृपा करो, जात सात की दात बख्शो। जात जिहड़ी है पहारा, इहदे विच बिठाउणा सुनियारा, दुकान विच सुनियार केड़ा,
धीरज सुनियार। महाराज कहने जिहड़ा दुख सुख बिरती सम रखनी है, धीरज रखना है, बहुत धीरज चाहिदा भगती दे विच। कोई गालां कढ जांदा, कोई कुछ बोल जांदा, कोई कुछ बोल जांदा, पर धीरज नाल बैठा रहिंदा। उहनूं पता है कि दुनिया दा सुभाअ ही इहो जिहा कि दुनिया दे दोनों पासे दंदे ने, दाती दे इक पासे दंदे हुंदे, दुनिया दे दोनों पासे लोग बड़ियां गल्लां बोलदे आ, और ऐसियां गल्लां बोलदे जिहड़ियां अणहोईआं ही हो जांदियां ने। ऐसा धीरज रख्या गुरु अमरदास महाराज ने। उन्होंने उत्थों दे जिहड़े शरारती लोग सी, कई विच इहो जिहे वी हुंदे ने, उन्होंने ये कहना है बाबा घरों कढ़िया होया, सारा दिन पानी ढोई जांदा, आखदे आ करदा, पाटे कपड़े पाए। एक कहिंदा आपां इहनूं रोज इन्नियां तरकां मारदे, ये जांदा नहीं इत्थों, कहिंदे जाऊगा कित्थे, घरदिआं नूं तां घरों कढ़िया होया इहनूं। ऐसियां ऐसियां तरकां ताने मेहने भगती दे विच वजदे ने। कड़ाह खाण चलिआं गुरुद्वारे, आपां नूं उसे टाइम थोड़ा जिहा हुंदा औखियाई मन नूं कि की बोलदा, वह किसी शराबी नूं कोई नहीं कहिंदा तू शराब पीण चलिआ ठेके, कहिंदे जा रिहा टल्ली होया, उह ते खुश हो जांदे लोग। माड़े काम करन वाले नूं कोई कुछ नहीं कहिंदा, वह मौजां करदे आ, पर जदों आपां चंगा काम करन लगदे आ उदों आपां नूं इउं दुनिया च हो जांदा जिवें पानी जिधरों आउंदा होवे उधर नूं तर के जाना औखा हुंदा। भगती इसे तरह ही है, जिधरों पानी आउंदा उधर नूं तरना पैंदा, ते दुनियावी तौर ते जिधरों भाखड़ा दा पानी इधर नूं जांदा नरवाणे वल नूं, इधर नूं तां भावें पुठे पै के माड़े माड़े हथ मार दे जाओ सौखे तर के पहुंच जाएंगे जिथे मर्जी, पर जदों पुठे पासे नूं पानी ते जाना पैंदा उदों उदों तरना बड़ा औखा। भगती विच वी पुठा राह है, 99% लोग तां जा रहे ने विशियां वकारां वल नूं, नकली गुरुआं वल नूं, ते बहुत दुनिया भर दे पुठे काम करदे ने, ते सिख ने जाना उदों पुठे पासे नूं। इसे करके लोग आपां नूं कहिंदे पुठे आ, आपां है ही पुठे, पुठे राह नूं चलना है। जो दुनिया करदी है वह नहीं असी करना। जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दिओ मैं सारा। महाराज कहिंदे तुसीं जाना ही पुठे रस्ते नूं है, जिधर नूं दुनिया जांदी है उधर नहीं जाना। वास्तव दे विच जिहड़े रस्ते नूं लोग पुठा कहिंदे वह सीधा, ते जिधर नूं लोग जांदे वह राह पुठा। इस करके महाराज कहिंदे जे भगती करनी है मेरे कोल आउणा, जाओ तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। जात रख के आई धीरज नाल लैके आई, ये ना उत्थे बुड़बुड़ करन लग जाए कि मैनू फलाने ने ऐ बोलता, मैनू फलाने ने ऐ। धीरज रखना पैना, बहुत भारी धीरज रखना पैना। अहरण मत अहरण आड़ा हा हा रारा अणाणा सिहारी। एक हुंदी आरण, आड़े नूं कन्ना, रारा ते अणाणा। आरण आरण कहिंदे ने भट्ठी नूं, जिहड़ी सुनियारे कोल भट्ठी हुंदी है जां लोहार कोल भट्ठी हुंदी है जिहदे चों कोले पाए जांदे ने, पक्खी चलाई जांदे ने, अग बलदी है। एक हुंदी अहरण, ये जिहड़ी अहरण हुंदी है ये हुंदी लोहे दा वड्डा सारा ढेला जिहदे उत्ते रख के लाल लोहे नूं उत्तों थौड़े मारे जांदे ने, उहनूं कहिंदे अहरण। एक हुंदी आरण, इन्हां दोनों अक्षरां दा फर्क है, इत्थे हैगी अहरण। मत मत जिहड़ी साडी है ना बुद्धि है, वह अहरण वर्गी मजबूत होनी चाहीदी है। जिन्ने मर्जी कोई थौड़े मारे, कोई तरकां मारे, आ गल विच डाहा पाया होया, आ तुरिया जांदा कड़ाह खाण, आ माला फड़ ली हुण 900 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली, ए ऐं करदा इउं करदा, फिर मत ऐसी अचल होनी चाहीदी कोई कुछ बोली जावे। जिवें हाथी तुरिया जांदा अपनी चाल, कूकर भौंकदे ने, हाथी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। भगती नूं कमाउणा कितें सौखा नहीं, गुरमत